इस वीडियो लेक्चर के पहले मेरे द्वारा एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया है, जिसमें मैंने बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है और उसकी विशेषताएं या प्रावधानों को समझाइए और मेरे द्वारा डिफाइन किया गया। आज मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार किया गया है, उसमें मेरे द्वारा ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझाइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 हमारे द्वारा समझ लिया गया। अब जरूरी है कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन ए रोल प्ले इन इंडिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों अस्तित्व में आया, क्या जरूरत थी इसकी, इसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ दिया है, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को समझाएंगे। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नंबर सेकंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AIF यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना, यानी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना। सेकंड प्रोविंशियल अथॉरिटी यानी प्रांतीय व्यवस्था। फोर्थ फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय। फिफ्थ डिवाइडेड ऑफ पावर शक्तियों का विभाजन। सिक्स्थ लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेशन यानी कि विधानमंडलों के पास जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं, पर्याप्त नहीं सीमित हैं, अंकुश लगा है उन पर, ऐसा नहीं कि आपको असंतुलित शक्तियां दे रखी हो। सेवन इलेक्शन सिस्टम यानी कि चुनाव व्यवस्था। विद्यार्थी ये तो बात हुई इन हेडिंग को हिंदी में समझने की, अब हम वन बाई वन करके इन्हें समझते हैं। नंबर फर्स्ट पर हमने दे रखा है इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से तात्पर्य यह है कि क्या कारण था जिसके लिए हम भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में लेकर आए। जाहिर सी बात है मेरे द्वारा इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताया गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में लागू किया गया और उसकी विशेषताएं भी मेरे द्वारा बताई गई थी। ध्यान रहे विद्यार्थियों, सन 1600 में कुछ लोग आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का डेवलपमेंट हुआ, फिर उन्होंने भारत पर राज करना चालू कर दिया, अपनी शक्ति बढ़ा ली और 1833 तक पूरे भारत को संपूर्ण तरीके से अपने बस में कर लिया, या संपूर्ण भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ऑब्जर्वेशन में आ गया और ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलने लगी। अब 1919 से वो दौर स्टार्ट हुआ है जिससे कि धीरे 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 अब भारत हमारा स्वतंत्र हो रहा है और हम उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं। 1919 में जो व्यवस्थाएं की गई थी उन व्यवस्थाओं में कुछ कमी होने के कारण और भारत को कुछ आगे बढ़ाने के लिए एक नया अधिनियम लागू किया गया जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। नंबर एक इंट्रोडक्शन, नंबर सेकंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ AIF ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना यानी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत में की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का तात्पर्य कि संपूर्ण भारत एक है, ये अलग नहीं है, टुकड़ों में नहीं बांटा गया है। इसे हमने पीछे सूबों में बांट दिया था, प्रांतों में बांट दिया था, बताया कि अखिल भारत एक है, पूरा भारत संपूर्ण रूप से एक है। अगर हम एक दृष्टि से देखें तो एक है। इसमें आज भी विद्यार्थी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा आपने, और उसमें बताया था कि इंडिया इट इज ए सिंगल सिटीजनशिप, या हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, भारत में एक हरी नागरिकता है यानी कि जम्मू से कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सीधी लाइन है। आप दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कहीं भी जा सकते हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारत एक है और पूरे भारत में एक हरी नागरिकता में प्राप्त है। अगर हम क्षेत्र अधिकार की दृष्टि से देखें तो इसे राज्यों में बांट दिया है, लेकिन भारत संपूर्ण दृष्टि से एक है। थर्ड प्रोविंशियल ऑटोनोमी प्रांतीय व्यवस्था। लेकिन मैंने आपको बताया कि भारत एक है, केंद्रीय संघ की स्थापना हो गई बात सच है, लेकिन केंद्रीय संघ की स्थापना होने से तात्पर्य यह नहीं है कि कोई एक व्यक्ति भारत को
सुचारू रूप से चला सके और उसकी व्यवस्था कर सके। इसलिए इसमें डबल सरकारों की व्यवस्था कर दी गई, प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार केंद्र में ध्यान रखेगी और प्रांतीय सरकार प्रांत में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात है, यानी कि प्रांतीय व्यवस्था। तो जो प्रांतीय सरकार थी वो अपने प्रांत में व्यवस्थाएं देखेगी, प्रांत में क्या काम होना है, कैसे होना है, इस बात पर वो जोर देगी। और ध्यान रहे विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि तीन तरह की लिस्ट बनाई गई थी, एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्यूरेंट, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो प्रांतीय व्यवस्था को कब बनाए रखेंगे, जब प्रांत अपनी सूची में बनाए हुए जो विषय हैं, बताए हुए विषय हैं, उन विषयों पर वो कार्य करें। फोर्थ, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालयों की व्यवस्था की गई, इनकी स्थापना की गई और संघीय न्यायालयों में संघ और प्रांत दोनों के मामले सुने और समझे जाते थे और तथ्यों पर आधारित होकर निर्णय दिए जाते। फिफ्थ, डिवाइडेड ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन। केंद्रीय शक्ति अपनी शक्ति के तहत कार्य करेगी और प्रांतीय शक्ति अपना कार्य करेगी। एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे के क्षेत्र अधिकार में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपना अपना कार्य अपने अपने क्षेत्र अधिकार में रहते हुए अपनी अपनी शक्तियों के द्वारा करेंगे। सिक्स्थ, लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ध्यान रहे केंद्रीय शक्ति हो या प्रांतीय शक्ति हो, दोनों सरकारों को अपनी अपनी शक्तियां मिली और उन्हीं शक्तियों के तहत उन्हें कार्य करना है और प्रत्येक सरकार के ऊपर एक नियंत्रण है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है, उन लिमिट्स में रहते हुए अपने पावर का उपयोग करते हुए कार्य करना है। सेवन, इलेक्शन सिस्टम, चुनाव व्यवस्था। चुनाव की व्यवस्था क्या होगी, जाहिर सी बात है जब हमने दोहरी सरकार की व्यवस्था कर दी है, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, गवर्नर जनरल की काउंसिल और लोकल काउंसिल, इन दोनों व्यवस्थाओं के तहत जब हम चुनाव कराना चाहेंगे तो चुनाव में भी हमें दो तरह के चुनाव कराना होंगे, लोकल चुनाव अलग होंगे और सेंट्रल के अलग होंगे। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपको मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे और साइट पर अपलोड होते रहेंगे। विद्यार्थियों, इन वीडियो लेक्चर्स को वन बाय वन करके देखते रहें और उम्मीद करता हूं कि आप सफलताओं की सीढ़ियों को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।